हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे सेल्विया में कीट परागण और साथ साथ आपका प्रिमरोज में कीट परागण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। और आज की हमारी टॉपिक है वो पक्षी परागण, जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आए हुए हैं आपके सामने। ये टॉपिक है आपके पक्षी परागण, और पक्षी परागण किस प्रकार से होता है या कौन कौन सी पक्षियाँ होती हैं जो पर परागण क्रिया के लिए रिस्पांसिबल होती हैं, इनके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। क्लियर? यहाँ पर आप देखेंगे पक्षी परागण, इसे हम आर्निथोफिली नाम देते हैं। इसमें आप होता क्या है, इनको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे इसे हम पक्षी परागण कहेंगे। तो वो सिंपल सी बात है कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पक्षियों के द्वारा जाता है या पक्षियों के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम नाम देते हैं पक्षी परागण या आर्निथोफिली कहते हैं। क्लियर? कि जो पक्षी होता है वो आपका पुष्प के परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। अब ये समस्या ये सामने ये आती है प्रॉब्लम कि पक्षी क्यों पहुंचाता है, क्योंकि जो पक्षियां होती हैं ये मकरंद को चूसने के लिए फ्लावर पर बैठती हैं, और जब फ्लावर पर बैठेंगी तो फ्लावर में आपका जो मेल ऑर्गन होता है, दैट मीन्स पुंकेसर का एंथर वाला पार्ट, वो आपका रप्चर करके क्या होता है, आपका फट जाता है, और फटने के बाद अपने परागकण को बिखेर देता है। और जब बिखेर देगा तो उनके क्या होते, चोंच, माउथ और ये आपका चेस्ट वाले भाग पर लग जाएगा, और फिर वो वहाँ से उड़कर दूसरे फ्लावर पर जाएंगी। तो वहाँ पर सिस्टम ये होता है कि जो हमारा फीमेल वाला पार्ट होता है उसको रिसीव कर लेता है। इस प्रकार से प्रोसेस में रिस्पांसिबल होते हैं। यहाँ पर थोड़ी बातें हम मेंशन कर सकते हैं कि आप इसमें कहेंगे जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पक्षियों के द्वारा पहुंचता है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं क्लियर? दूसरी बातें हम इसमें बताएंगे कि जो हमारा पक्षी परागित पुष्प होता है, जो पक्षियों के द्वारा परागित किया जाता है, वो पुष्प आपका बड़े रंगीन और लाल कलर के होते हैं। यहाँ पर हम बातें मेंशन करते हैं, पक्षी परागित पुष्प बड़े रंगीन एवं लाल रंग के होते हैं। क्लियर? दूसरी बातें हो गई। अब इसमें हम तीसरी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहां जो आप देख रहे हो फ्लावर, ये फ्लावर किसका है, बिग्नोनिया का। इस बिग्नोनिया फ्लावर में ये हमारा हमिंग बर्ड है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। यह हमिंग बर्ड जो होता है, इस हमिंग बर्ड के द्वारा इस बिग्नोनिया में पक्षी परागण प्रक्रिया होती है। अब ये होता क्या है, जो हमारा ये हमिंग बर्ड है, ये बहुत छोटा आपका एनिमल है, लेकिन इसकी चोंच जो होती काफ़ी लंबी होती है। तो ये जो बिग्नोनिया का हमारा फ्लावर होता है, इस बिग्नोनिया का फ्लावर जो होता है दलपुंज नलिका युक्त तो होता है, मतलब करोला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, कि ये सभी लोग मिल करके करोला जो होते ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में
परिवर्तित हो जाते हैं, बनाते हैं। तो ये हमारा करोला आपका जलपुंज नलिका ट्यूब, जलपुंज नलिका वाला भाग होता है, इस जलपुंज नलिका के अंदर ये मकरंद पाए जाते हैं। मकरंद की तलाश में ये आपका हमिंग बर्ड जो होता है उसके अंदर जलपुंज नलिका में एंट्री करती है, मतलब उसी में जाती है। जब ये जलपुंज नलिका में मकरंद को चूसने के लिए जा रही है, इसको क्या पता है हमें, क्या हमें इसको सर इतना पता है कि हमें मकरंद मिलेगा। मकरंद जो होता है एक प्रकार का मीठा पदार्थ होता है जो इन्हें चूस करके अपने एनर्जी को मेंटेन करने का काम करती हैं। तो ये क्या होता है, मकरंद को चूसने के लिए जैसे ही जलपुंज नलिका के अंदर प्रवेश करती हैं, तो इस जलपुंज नलिका में जो हमारा एंथर वाला भाग होता है वो पहले परिपक्व होता है, और वो एंथर वाला भाग जो होता है वो आपका जैसे इनके इनका माउथ उस मकरंद को चूसने के लिए इंट्री करता है, अंदर जाता है, अंदर जाती है, तो इनके चोंच पर, इनके आपके सिर पर, इनके आपके चेस्ट वाले भाग से ये हमारा एंथर टकरा जाता है, और टकराने के बाद परागकण जो होते हैं इसके ऊपर गिर जाते हैं, और वहाँ से मकरंद को चूसने के बाद दूसरे बिग्नोनिया फ्लावर के, दूसरे बिग्नोनिया फ्लावर के पास में जाती है। तो वहाँ पर देखते हैं क्या हमारा ये फीमेल वाला पार्ट जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं वो आपका पहले निकला होता है, और जैसे ही आपका मकरंद को चूसने के लिए एंट्री करती है जलपुंज नलिका में बिग्नोनिया के, उसी में आपका ये जो वर्तिकाग्र होता है वो वर्तिकाग्र उस परागकण को चिपका लेता है। इस प्रकार से इनमें संपन्न हो जाती हैं परागण क्रियाएं, पक्षी परागण क्रियाएं होती हैं। क्लियर? तो ये हमारा हमिंग बर्ड होता है, ये हमिंग बर्ड जो होता है ये इसे हम गुंजन करने वाली चिड़िया नाम देते हैं। गुंजन का मतलब एक प्रकार का ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्लियर? इन्हें गुंजन करने वाली चिड़िया नाम देते हैं हमिंग बर्ड जो होती है। हमिंग बर्ड के द्वारा बिग्नोनिया फ्लावर में पक्षी परागण होता है, अर्थात ये बिग्नोनिया फ्लावर के में भी क्या होते हैं, मकरंद को चूसने के लिए इसके अंदर जाती हैं, जलपुंज नलिका के अंदर प्रवेश करती हैं। तो जो आपका क्या होता है, ये एंथर वाले भाग होते हैं ये इनके बॉडी से स्पर्श कर जाते हैं, रगड़ खा जाते हैं, जिससे क्या होता है इनका परागकण निकल करके इनके बॉडी पर गिर पड़ता है, इनके पंखों पर, इनके चोंच पर, इनके वक्ष वाले भाग पर, सब पर चिपक जाएगा। क्लियर? और वहां से ये मकरंद को चूस कर जब दूसरे फ्लावर पर जाती बैठती हैं, तो वहां पर पहले क्या होता है, डेवलप रहता हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, जलपुंज नलिका के बाहर ही रहता है। जैसे ही एंट्री करता है हमारा हमिंग बर्ड, वैसे ही क्या होते हैं, परागकण जो होते हैं उस वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। जब चिपक जाएंगे तो परागण क्रियाएं संपन्न हो जाती है, और हमिंग बर्ड का बस मेन काम उद्देश्य ये होता है कि वो उस फूड को, उस नरिशमेंट को लेने के लिए, उस मकरंद को चूसने के लिए एंट्री करती है अंदर उसके। क्लियर? तो देखिए हमारा जो बिग्नोनिया आपका, जो हमारा बिग्नोनिया पुष्प होता है, यहां पर एक बात है हम इसमें डिस्कस करेंगे। बिग्नोनिया फ्लावर में, बिग्नोनिया फ्लावर में हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड द्वारा परागण क्रिया होती है, परागण क्रिया होती है। क्लियर? इसके साथ साथ स्ट्रिलेटजिया, 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 स्ट्रिलेटजिया पुष्प में शहद पान करने वाली चिड़िया, शहद पान करने वाली वाली चिड़िया के द्वारा, चिड़िया के द्वारा परागण क्रिया होता है, परागण क्रिया होता है। क्लियर इतनी बातें? इसमें हम एक बातें और बताएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ये बिग्नोनिया का फ्लावर हुआ उसमें हमिंग बर्ड के द्वारा, स्ट्रिलेटजिया में आपका शहद पान करने वाली चिड़िया के द्वारा, और सेमल और पांगरा जो हमारे आपका दो तरह के पुष्प होते हैं, एक सेमल होता है, दूसरा पांगरा होता है। यहाँ पर हम बातें बताएंगे आपको। सेमल
एवं पांगरा, सेमल एवं पांगरा में कौवा कौआ तथा मैना द्वारा पक्षी परागण होता है या मैना द्वारा परागण होता है। क्लियर। जो सेमल होता है इसमें कौओं के द्वारा और पांगरा में आपका इस मैना के द्वारा। क्लियर, ये परागण क्रियाएं रन करती हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। जो हमारा ये खास तौर से बिग्नोनिया का फ्लावर होता है, उस बिग्नोनिया के फ्लावर में ये हमिंग बर्ड ये मकरंद को चूसने के लिए उसके दलपुंज नलिका में प्रवेश करती है। ये हमारे पक्षी जो है, ये पक्षी क्या होता है, इस मकरंद को चूसने के लिए ये करोला ट्यूब में प्रवेश करती है। यहां देखेंगे हमिंग बर्ड ये दुनिया का सबसे छोटा प्राणी है, पक्षी है। हमिंग बर्ड जब दलपुंज नलिका में प्रवेश करती है तो एंथर लोब रप्चर कर जाते हैं, फट जाते हैं और अपने पराग कण को अपने पराग कण को हमिंग बर्ड के शरीर पर बिखेर देते हैं। क्लियर। दूसरी बातें, जब यह पक्षी दूसरे फ्लावर पर जाती है तो वर्तिकाग्र दलपुंज नलिका के बाहर निकली होती है और पराग कण को चिपका लेती हैं। क्लियर, इतनी बातें कन्फर्म हो गई। ये हमारा स्पेशली जो होता है पक्षी परागण में आप बताएंगे, हमारा जो करोला ट्यूब है, दलपुंज नलिका है, जब इस दलपुंज नलिका में हमारा हमिंग बर्ड प्रवेश करता है तो एंथर लोब जो होते हैं इसके अंदर, अर्थात मेल वाला भाग जो होता है स्टामेन का ऊपरी वाला भाग एंथर लोब, फट जाएगा और अपने परागकण को हमिंग बर्ड के शरीर पर बिखेर देता है। जब ये बिखर जाता है तो ये जो आपके परागकण होते हैं छोटे छोटे होते हैं ना, ये छोटे छोटे परागकण जो होते हैं इसके चोंच पर, इसके सिर पर, इसके पंख वाले भाग पर, यहाँ पर सब में चिपक जाते हैं और इसकी चोंच जो होती काफ़ी लंबी होती है। इसे लंबी चोंच होने की वजह से ये क्या होते हैं आपका, इस अपनी लंबी चोंच के वजह से ये दलपुंज नलिका में स्थित जो पराग कोष होते हैं उनमें चुभा करके ये क्या करती है, मकरंद को चूस लेती हैं और जैसे ही अब उसमें एंट्री करती हैं जैसे इनका परागकण क्या होता है, इनके चोंच पर, इनके सिर पर, इनके वक्ष वाले भाग पर आपका लग जाता है और चिपक करके, क्योंकि रोमयुक्त तो होते हैं इनके बॉडी चिपक जाते हैं और जैसे ये पक्षी फिर उड़ करके इसी बिग्नोनिया फ्लावर के दूसरे बिग्नोनिया जो आपका पौधा होता है उसके दूसरे फ्लावर पर जाती हैं, तो जब जाती है तो वहाँ पर कंडीशन क्या होता है कि वहाँ पर हमारा वर्तिकाग्र जो होता है वो दलपुंज नलिका के हल्का सा बाहर निकला होता है और जैसे ये मकरंद को चूसने के लिए उसके अंदर प्रवेश करती हैं ये उसका जो अवर्तिकाग्र होता है ये परागकण को चिपका लेता है और पक्षी परागण क्रियाएं जो होती आसानी से हो जाती हैं।
क्लियर, इतनी बातें कन्फर्म है। इसमें स्पेशली क्या होता है, आप इन सारी चीजों को स्पेशली आप देख सकते हैं। क्लियर, तो इसमें हमने बताया कि आपकी तीन चार बातें कि बिग्नोनिया में गुंजन करने वाली चिड़िया मतलब हमिंग बर्ड, स्टिलेटिजिया फ्लावर में, स्टिलेटिजिया फ्लावर में शहद का पान करने वाली चिड़िया के द्वारा, सेमल में कौवा के द्वारा और पांगरा में मैना के द्वारा आपका क्या होता है भैया, पक्षी परागण क्रियाएं होती हैं, अर्थात परागण क्रियाएं होती हैं, अर्थात ये सभी लोग परागकण को, एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसी को हम नाम देते हैं आपका पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके okay.